हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। मैं आपका भाई डीमन अल्का आ गया हूँ एक बार फिर से नया वीडियो लेकर के। तो गाइस, यहाँ पे थंबनेल और टाइटल पर देख के तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि ये वाली वीडियो सेंसिटिविटी के ऊपर होने वाली है, जो कि हमारे चैनल पे बहुत देर से आप सभी लोग इंतजार कर रहे थे इस वीडियो का। तो गाइस, बिना देरी करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले सभी भाई एक बार लाइक कर दें, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब के बटन को दबाना मत भूलेगा। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर, क्योंकि वहीं पर ही आपको मैं बताता हूँ अपने मोबाइल की सेंसिटिविटी क्या है, मेरी सेंसिटिविटी, और कैसे आप लोग भी मेरी तरह एकदम लेज़र स्प्रे यहाँ पे मार सकते हो सीधा एनिमी के ऊपर। तो गाइस, जायरो के लिए ये वाली वीडियो होने वाली है, जायरो वालों बंदों के लिए। तो ठीक है गाइस, तो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे गाइस आप लोगों को आ जाना है ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर। तो ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर गाइस जाने के बाद आपको सबसे पहले अपना जो है M4 वगैरह या जो भी आप गन इस्तेमाल करना चाहते हैं उसको यहाँ पे गाइस आपको ले लेना है, और जो भी आपको अटैचमेंट वगैरह यूज़ करनी है आप अटैचमेंट भी यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, यहाँ पे थर्ड पर्सन कैमरा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जो कि मेरा 100% पे है। तो इसका क्या यूज़ है ये आपको बता देता हूँ। पहले मैं इसको सबसे कम कर देता हूँ। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं बिल्कुल भी अगर अपना जायरो वगैरह या एडीए चलाता हूँ तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं पड़ती। लेकिन जब मैं यहाँ पे आई बटन आप देख सकते हो यहाँ पे रोटेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, आई बटन से लेफ्ट राइट देखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरा प्लेयर बिल्कुल भी इधर उधर नहीं देख पा रहा है, एक ही जगह अटका हुआ है। और अब गाइस मैं अगर इसको फुल कर देता हूँ, तो गाइस यहाँ पे फुल करने के बाद अगर मैं बिल्कुल भी अपना जरा सा भी आई बटन यहाँ पे लेफ्ट राइट करता हूँ, तो आप देख सकते हो मेरा प्लेयर पूरा का पूरा घूम जा रहा है, जिसकी वजह से गाइज मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और यहाँ पे लेफ्ट राइट नहीं देख पाऊंगा आई बटन से। तो गाइज यहाँ पे मैंने अपना आई बटन 100 पे सेट कर रखा है, तो आप लोग भी यहाँ पे 100 पे सेट कर सकते हो, या फिर आप अपने हिसाब से यहाँ पे थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट करके भी देख सकते हो कि आपको कैसे दिखाई दे रहा है कैसे नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आई बटन के लिए ये वाला जो सेटिंग है ये आई बटन के लिए होती है, बाकी और किसी काम के लिए नहीं होती। यहाँ पे आई बटन जैसे पैराशूट वगैरह से आप जब लैंड करते हो तो एनिमी वगैरह देखने के काम आती है। तो उसके बाद यहाँ पे गाइस कैमरा की तरफ आ जाए, यहाँ पे आप कैमरा में आप देख सकते हो यहाँ पे थर्ड पर्सन व्यू है। तो गाइस यहाँ पे थर्ड पर्सन व्यू नो स्कोप की हम बात करें तो यहाँ पे गाइस मेरा 120 के ऊपर है, और अब अगर मैं इसको गाइज यहाँ पे कम कर दूँ 120 से, यहाँ पे गाइज इसको भी गाइज अगर हम एक तरीके से मान लीजिए जीरो ही कर दें, तो जीरो करने के बाद यहाँ पे गाइज क्या फ़र्क पड़ता है आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे गाइज जायरो की अगर हम बात करें तो जायरो यहाँ पे अभी पूरा काम कर रहा है, जायरो में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन गाइज यहाँ पे मैं अगर अपने बंदे को लेफ्ट राइट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा है, ना लेफ्ट हो रहा है ज़्यादा ना राइट हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो स्कोप खोलने पर यह लेफ्ट राइट हो रहा है, लेकिन बिना स्कोप खोले लेफ्ट राइट बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो ये इस वाली सेटिंग का यही काम है कि आप लेफ्ट राइट देख सकते हो। तो इसको गाइज मैं अपना 120 पे दोबारा से कर लेता हूँ, और मैं भी 120 पे रखता हूँ, आप लोग भी चाहें तो 120 पे रख सकते हैं। और अब देखिए गाइज यहाँ पे इजीली लेफ्ट राइट हो पा रहा है, जो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था पहले, ठीक है ना। तो गाइज ये जो है सेटिंग का यही फ़ायदा होता है। अब मैं जरा जायरोस्कोप भी ऑन ऑफ करके आपको दिखा देता हूँ कि मैं जायरो से लेफ्ट राइट नहीं कर रहा हूँ, उसी सेटिंग से ये जो है लेफ्ट राइट होता है, जो हमारा ADS होता है ना, ये जो क्रॉसर होता है ये लेफ्ट राइट उसी सेटिंग से होता है। तो अब गाइज यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं तीसरी सेटिंग जो हमारी होती है कैमरा के बाद, वो होती है गाइज हमारी ADS की सेटिंग, ठीक है ना गाइज। तो ADS की सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ क्या काम आती है। यहाँ पे आप थर्ड पर्सन नॉइज़ स्कोप देख सकते हो, 170 आपको दिख रहा होगा। तो गाइज इसको मैं यहाँ पे जीरो कर देता हूँ फिर से, जैसे पहले की तरह कराता हूँ। तो इसमें गाइज आप देख सकते हो कैमरा ऊपर नीचे हो रहा है, जायरो ऊपर नीचे हो रहा है, सब कुछ ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन जब मैं फायर कर रहा हूँ और मैं अपने थंब से लेफ्ट साइड से अगर गाइज मैं नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ, तो गाइज मेरा नीचे की तरफ ड्रैग नहीं हो रहा है, आप देख सकते हो मेरा क्रॉस है और ऊपर की तरफ भाग रहा है ऑटोमेटिक। तो ये फ़ायदा होता है गाइज इसका ADS का। आप जैसे जैसे अपने थंब को नीचे की तरफ ड्रैग करोगे तो आपका एम स्टेबल रहता है, नीचे की तरफ होता है। जैसे स्कोप खोला मैंने तो स्कोप खोल के देख सकते थे आप कि एकदम बढ़िया फायर हो रहा था। तो इसको मैं दोबारा से 170 पे अपना सेट कर लेता हूँ, जैसे मेरा सेट था पहले। और आप गाइज यहाँ पे पॉज करके वीडियो को स्क्रीनशॉट लेके भी अपनी सेटिंग्स यहाँ पे सेव कर सकते हो। बाकी मैंने इस वीडियो में आगे जो है अपना कोड यहाँ पे गाइज सेंसिटिविटी का कोड जो है शेयर करा है, तो आप वीडियो में बने रहिए, आपको वो कोड मिल जाएगा वीडियो में कहीं भी बीच में, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो और आप अपनी सेंसिटिविटी आप देख सकते हो कि मेरी सेंसिटिविटी और आपकी सेंसिटिविटी ठीक है या नहीं। तो गाइज ये काम होता है यहाँ पर हमारा जो ADS होता है उसका। तो अब गाइज यहाँ पे जायरो के सेक्शन के ऊपर हम बात कर लेते हैं।
तो गाइज जो जायरो होता है वो भी गाइज हमारा जो रिकॉइल होता है गन का उसी को कंट्रोल करने के लिए वो भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जायरो की सेटिंग मेरी है। तो गाइज यहाँ पे जायरो मेरा 300 पे था, उसको मैं कम कर लेता हूँ। तो अब गाइज जैसे कि मैं अपना फोन लेफ्ट राइट या ऊपर नीचे हिलाऊंगा तो गाइज आप देख सकते हो मेरा ADS जो है मतलब क्रॉस हेयर जो है वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था, एक ही जगह पे था। अब गाइज अगर मैं इसको दोबारा से 300 पे करके आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार, तो ये लीजिए मैंने यहाँ पे आपको दोबारा से एक बार 300 सेट कर देता हूँ, उसके बाद आपको देखते हैं कि क्या फ़र्क दिखता है यहाँ पे हमारे स्क्रीन पे। तो देख सकते हो आप यहाँ पे लेफ्ट राइट में हिला रहा हूँ तो फ़ोन को, तो यहाँ पे आप क्रॉस हेयर भी हिलता हुआ देख सकते हो लेफ्ट राइट। तो ये होता है जायरो का फ़ायदा यहाँ पे। तो इससे आपको क्या है, आप जो है ADS भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो और जायरो से भी अपना जो है रिकॉइल यहाँ पे संभाल सकते हो। तो अब गाइज़ यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे जितने भी टारगेट आपको देखने के लिए मिल रहे हैं तो यहाँ पे गाइज़ आपको स्कोप बाय स्कोप यहाँ पे गाइज़ चेंज करना है और जितना हो सके यहाँ पे हेड पे हिट करने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या है आपको यहाँ पे जो है जायरो की आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका एम भी अच्छा हो जाएगा। तो इस तरीके से गाइज़ आपको राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है और लेफ्ट से राइट की तरफ आना है। तो जल्दी जल्दी करने की कोशिश करो, जितना हो सके उतना जो है यहाँ पे बुलेट्स को जो है हेड पे हिट करने की कोशिश करो। जितनी दूर का टारगेट हो फिर आपको गाइज ऐसे ही जो है 3x लेके गाइज यहाँ पे स्प्रे देने की कोशिश करनी है और राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है और कोशिश करना है कि सारे के सारे बुलेट्स आपकी जो है हेड पे हिट हो। उससे क्या है ना गाइज आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका एम भी अच्छा होगा, स्प्रे भी अच्छा होगा, ठीक है ना। तो हर रोज़ आपको गाइज यहाँ पे 10 से 15 मिनट की ये वाली प्रैक्टिस करनी है, इससे जो है आप ही का फ़ायदा है। और प्रैक्टिस नहीं करोगे और आप सोचोगे कि सीधा गेम स्टार्ट किया और मैच के अंदर घुस गए और 10-12 किल कर दूंगा मैं, तो ऐसा नहीं होता है गाइज, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ और जो है TDM वगैरह भी मैं खेलता रहता हूँ। तो गाइज ये पहली प्रैक्टिस तो आपको मैंने बता दी। इसके बाद गाइज आपको जो दूसरी प्रैक्टिस है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो सबसे दूर यहाँ पे गाइज टारगेट एक लगा रहता है तो उसके ऊपर भी गाइज आपको फायर करके देखनी है। और यहाँ पे गाइज ये टावर है, टावर के ऊपर भी गाइज आपको फायर करके देखनी है। और इसी तरीके से गाइज आप फायर कर करके देखोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि मेरा स्प्रे कैसा जा रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी सेंसिटिविटी 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे करके सेट कर सकते हो। जैसे मेरी जो है आपने सेंसिटिविटी मैंने दिखाई है तो उसके अंदर भी आप गाइज 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे करके आप चेकआउट कर सकते हो। तो इसके बाद गाइज एक और जो प्रैक्टिस करनी है वो यहाँ पे आना है और आपको यहाँ पे व्हीकल खड़े हुए आपको दिख रहे होंगे तो यहाँ पे गाइज एक एक करके यहाँ पे सभी व्हीकल्स के टायर फोड़ने हैं। इसके अंदर गाइज यहाँ पे क्या है ना, आपका एक तो एम भी अच्छा हो जाएगा, स्प्रे भी अच्छा हो जाएगा और आपको गाइज यहाँ पे मज़ा भी आने वाला है। व्हीकल्स के जो है टायर फोड़ने में बहुत मज़ा आता है और मेरे को भी आता है भाई व्हीकल वगैरह फोड़ने में, टायर वगैरह फोड़ने में। तो ये एक और आप यहाँ पे गाइज प्रैक्टिस कर सकते हो, यहाँ पे स्कोप वगैरह भी लगा सकते हो। और यहाँ पे गाइज आप तीसरी जो प्रैक्टिस है वो यहाँ पे आपको ये ब्रिज सा दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पे गाइज आपको स्प्रे ट्रांसफर की जो है प्रैक्टिस करनी है, जैसे व्हीकल वगैरह होता है रनिंग व्हीकल के ऊपर स्प्रे देने की। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, एक जगह से दूसरी जगह पे फायर करना है और आपको जो है इस रेलिंग के ऊपर ही जो है अपना एम रखना है, ठीक है ना, ऊपर नीचे एम नहीं करना है। और इससे क्या है ना आप जो है एकदम अच्छा स्प्रे आपका हो जाएगा और आप भी एकदम लेज़र स्प्रे दे सकते हो। और गाइज यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉइल और कम करने के लिए यहाँ पे आप क्राउच का इस्तेमाल कर सकते हो, क्राउच करके फायर करने का, और थोड़ा सा पीक करके फायर करने का भी इस्तेमाल कर सकते हो, पीक एंड फायर, क्राउच एंड फायर करके। इससे क्या होगा ना आपका रिकॉइल बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, आपका रिकॉइल एकदम ज़ीरो हो जाएगा और आपका जो है ऊपर की तरफ जो गन जाती है ना, ये जो क्रॉस है और ऊपर की तरफ भागता है वो नहीं होगा, एकदम लेज़र स्प्रे जाएगा, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो ना। तो इस तरीके का गाइज आपका स्प्रे हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4-5 आप प्रैक्टिस करो रोज 10-15 मिनट तो आपका एकदम बढ़िया एकदम एम वगैरह सब हो जाए। तो गाइज अभी तक इस वीडियो में आप लोगों को मज़ा आया है तो जल्दी से गाइज अभी तक जिसने भी लाइक नहीं कराया लाइक कर दो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। और गाइज अब वो चीज़ भी हम आपको बता देते हैं जिसका आप सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार था। तो अब हम आपको यहाँ पर अपना कोड जो है सेंसिटिविटी का कोड यहाँ पे हम आपको शेयर कर देते हैं, जिससे आप वो कोड डाल के और अपने गेम के अंदर यूज़ करके आप लोग भी पता कर सकते हो कि मेरी वाली सेंसिटिविटी आप लोगों के काम आएगी या नहीं। तो ये लीजिए गाइज ये रहा वो कोड, हम अप्लाई यहाँ पे जनरेट कर देते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे गाइड वो कोड, तो आप ये वाला कोड इस्तेमाल कर सकते हैं और मेरी सेंसिटिविटी आप अपने फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं और ट्रेनिंग ग्राउंड पर जाके जो है आप लोग ये चेकआउट कर सकते हैं कि आप लोगों के लिए ये सेंसिटिविटी काम करती है या नहीं। 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे करके आप ट्राई करोगे तो पक्का आपको काम करी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए भी वीडियो अच्छी होगी और यूज़फुल होगी। तो अब गाइस हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय। और जिसने भी लाइक नहीं किया है कर दो। ओके गाइस बाय। कब कैसे बना रहा हूँ गाने, बकचोदी पेल रहे हो गाने के बहाने, घर पे खाली बैठा हूँ अब मैं भी करूँ क्या बे, तो कुछ और करना।
क्रिंज मत फैलावे। सॉरी यार सॉरी, देख ऐसी बात नहीं है, वैसे देखा जाए तो थोड़ा बहुत तू भी सही है, ये रैपिंग वैपिंग लसन मेरे लिए नहीं है, पर चल रहा तो चलने देना। इट्स ओके सही है। हेलो दोस्तों।